लोगों ने पढ़ा था लॉरेंज फोर्स के बारे में कि लॉरेंज फोर्स क्या होता, तो एफ इज इक्वल टू वर्ट क्यू और वी क्रॉस बी, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई प्लस, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, ये आपका लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन था। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। क्या होता है राइट हैंड रूल, देख लीजिए इमेज में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन के पास। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है, ये करेक्ट इमेज है। ये इमेज दिख रहा क्या सभी को? छोटा ही में क्लियर दिखेगा। ये इमेज देखिए, ये सब गलत है, वो दूसरा है, एफ इजिकल टू बी आई एल का है, ठीक है, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कनेक्टर है वो, यहाँ पर वेलोसिटी वाला लॉरेंज फोर्स ये है। ये डायग्राम देखिए, तो आपका फोर फिंगर व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब का डायरेक्शन क्या होता है? फोर्स का होता है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमेशा थंब का डायरेक्शन होगा अलोंग द फोर्स, वी इज व्हाट द वेलोसिटी एंड बी इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए सभी कोई, याद रखने के लिए डायग्राम बना लीजिए कि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स, तो लिख लीजिएगा फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड, द थंब ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। अब देखिए आज का टॉपिक क्या है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कल देखा था लास्ट क्लास में, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द अलोंग इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस द पैराबोलिक पाथ, इट विल एक्सपीरियंस द पैराबोलिक पाथ, आपने ये देखा। तो अभी हम लोग को चार केस देखना है। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा क्या, कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल
when the charged particle is moving, in uniform electric field. When the charged particle is moving in the uniform electric field, तो path कैसा था? Parabolic था. ये derivation हम लोगों ने किया. Parabolic in nature. दूसरा आज अभी देखेंगे क्या? कि when the charged particle is moving only in magnetic field, uniform magnetic field. ठीक है, तो यहां पर दो केस होता है. दो केस क्या होते हैं कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर आता है. पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आता है? सर्कुलर. और अगर आपका वेलोसिटी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब क्या, कुछ एंगल बन रहा है, वी एंड बी आर इंक्लाइंड, वी एंड बी आर इंक्लाइंड टू इच अदर, when V and B are inclined to each other, तो यहां पर क्या होता है आपका पाथ बनेगा हेलिकल. हेलिकल मतलब क्या, स्प्रिंग शेप. इस टाइप का चार्ज पार्टिकल मूव करेगा. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, व्हेन द चार्ज पार्टिकल the charged particle moves in the region, when the charged particle moves in the region of uniform electric field plus magnetic field. जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पाथ कैसा है? पैराबोलिक. एंड ओनली इफ देयर इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पाथ कैसा है? सर्कुलर और हेलिकल. और जब चार्ज पार्टिकल दोनों भी मूव करेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो पाथ क्या होता है? स्पाइरल. सो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? स्पाइरल. क्या होता है? स्पाइरल. तो ये आपको याद रखना ही है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? पैराबोलिक इन नेचर. व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आएगा आपका? सर्कुलर आएगा. एंड व्हेन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंक्लाइंड एट एन सम एंगल, तो वहां पर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आएगा? हेलिकल आएगा. और अगर आपका चार्ज पार्टिकल दोनों रीजन में मूव कर रहा है, इफ देयर इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो पाथ क्या आएगा? स्पाइरल आएगा. पाथ कैसा आएगा? स्पाइरल. तो ये इंपॉर्टेंट है यहां से. तो पहला तो आप देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर आपने देख चुका है, सैटरडे को पढ़ाए थे. ठीक है, आज के लेक्चर में देखिए, तो आज के लेक्चर में क्या है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल inside a uniform magnetic field. ठीक है,
और ये भी कौन सा है, केस ए, कि जब वेलोसिटी क्या हो, व्हेन वी इज परपेंडिकुलर टू ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले, कि जिस तरह आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो वहां पर पैराबोलिक पाथ आया। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होगा कैसे, तो व्हेन द वेलोसिटी इज व्हाट, परपेंडिकुलर, व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ऐसा मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहां पर एक नॉर्थ पोल है और यहां पर आपका साउथ पोल है, तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू साउथ पोल, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। कहां जा रहा है भाई, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जहां भी आपका परपेंडिकुलर है, अगर आपने यहां पर वेलोसिटी दिया, क्या दिया यहां पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर ऑटोमेटिक जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे जो लॉरेंज फोर्स है गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स है दैट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। कैसे, यहां देखिए, यहां मान लीजिए अगर आपका ये सर्कुलर है, ठीक है, तो ये सर्कुलर है आपका और टॉप व्यू देख रहे हैं आप, तो किसी पॉइंट पर भी चार्ज लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहां पर है, ये आपका क्यू है, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, तो जब वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, तो यहां पर आपका वेलोसिटी जब आपने थ्रो किया तो मान लीजिए ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर आएगा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये वी वेक्टर, क्या ये वी वेक्टर। तो अगर ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा आपका लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग, देखिए, तो राइट हैंड थंब रूल, फोर फिंगर किधर होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मिडिल फिंगर की तरफ, क्या होगा, मिडिल फिंगर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है। इस तरह अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा ठीक है, तो यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए कि फोर्थ फिंगर किधर है, ये वेलोसिटी की तरफ, तो मिडिल फिंगर क्या होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर होगा इनवर्ड टुवर्ड सेंटर। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर पहुंचा, कहां पर पहुंचा, मान लीजिए यहां पर, एक एग्जांपल के लिए बड़े डायग्राम में देखिए, चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा, ये ऐसा मूव कर रहा है, यहां पर गया, तो वेलोसिटी यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तो हम लगाएंगे फोर फिंगर इधर बी की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी की तरफ, तो वेलोसिटी क्या है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, वहां पर राइट हैंड रखिए, राइट हैंड का वेलोसिटी जो वी की तरफ क्या रखिए फोर फिंगर, ठीक है, राइट हैंड का वी की तरफ फोर फिंगर रखिए वेलोसिटी की तरफ, एंड मिडिल फिंगर रखिए आप इधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स क्या आएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है, फोर्स क्या आएगा बिल्कुल सीधा आएगा आपका, ठीक है, फोर्स क्या आएगा बिल्कुल सीधा आएगा, तो ये आपका फोर्स क्या होगा आपका, तो यहां पर 3D है, तो डायग्राम में कैसे दिखाएगा आप, तो इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये आएगा, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा यहाँ होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो वेलोसिटी ये होगा टेंडेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा है, ये ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो वहां पर बी की तरफ फोर फिंगर रखिए, और ये बी की तरफ रखिए मिडिल फिंगर, ठीक है, तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा टुवर्ड सेंटर, क्या आएगा टुवर्ड सेंटर, ठीक है, तो हर एक अपने आप में एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, क्या बनाएगा 90 डिग्री, चाहे पार्टिकल यहां पर है वेलोसिटी ये है, तो फोर्स यहां पर आएगा 90 डिग्री, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है 90 डिग्री, तीनों जो फिंगर होंगे राइट हैंड के वो तीनों क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, चाहे फोर फिंगर हो या मिडिल फिंगर हो या थंब हो, ऑल थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इज व्हाट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। और देखिए ऐसे भी याद रखने के लिए बता रहे हैं कि सर्कुलर शेप में, सर्कुलर में हर पॉइंट पे वेलोसिटी और फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर टू इच अदर होता है, हर जगह आपका वेलोसिटी और फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर टू इच अदर, हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है परपेंडिकुलर टू इच अदर। कैसे, यहां देखिए मान लीजिए पार्टिकल आपका रोटेशन कर रहा है, जब यहां पर चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड सेंटर, सेंट्रिपिटल फोर्स, और वेलोसिटी क्या है टेंजेंशियल, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, क्या हो रहा है 90 डिग्री, यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ये है, ठीक है, एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री, यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पर, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या आपका ये, एंगल क्या आपका 90 डिग्री, एंगल क्या आपका 90 डिग्री, तो एक ही ऐसा पाथ है जहां पर फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो वहां ऑटोमेटिक सर्कुलर शेप आ जाता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ आ जाएगा, तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जो वेलोसिटी है और जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है।
तो यहां ध्यान देना आपको, जब पार्टिकल मान लीजिए यहां पर पहुंचा, जब पार्टिकल आपका यहां पर पहुंचा ठीक है रोटेशन करके, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल। ये मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है मेरा। अच्छा ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, भला ही आपको दिख नहीं रहा है पर ऐसा देखना आपको कि ये इधर और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, यहां पर वेलोसिटी किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है, तो फोर्स क्या होगा, आप वी रखिए फोर फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो जो थंब किधर आएगा आपका, थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो। थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो। तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट, टुवर्ड सेंटर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, टुवर्ड सेंटर। तो अब देखिए अगर आपका फोर्स क्या है, टुवर्ड सेंटर है, तो यहां पर फोर्स और जो आपको इक्वेशन पता है कि जब फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है मतलब क्या, इट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू और वी क्रॉस बी। और ये लॉरेंज फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो दैट इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर होता, तो अगर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर जिसको बोल रहे लॉरेंज फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल तो आपका सर्कुलर में मूव नहीं कर पाता, गिर जाता हो। पर ये जो लॉरेंज फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, कौन बैलेंस करेगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा आपका, तो यहां से आपको पता है कि जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हर पॉइंट पर एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी क्यू वी साइन 90 और इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से क्या होगा, बी क्यू वी इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से वी और वी गेट्स कैंसल्ड, रेडियस ऑफ पाथ क्या आएगा, एमवी अपॉन बी, रेडियस ऑफ पाथ कितना आएगा, एमवी अपॉन बी। तो ये रेडियस ऑफ पाथ, क्या ये रेडियस ऑफ पाथ। तो यहां से यह जो रेडियस बन रहा है वो ये एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है, आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, एम वी अपॉन बी क्यू। एंड रेडियस इज व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, याद रखिएगा। अगर मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा, अगर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बड़ा ज्यादा है तो, ठीक है। एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑल्सो, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, जैसे एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक हीलियम पार्टिकल, तो हीलियम पार्टिकल पे क्या है, डबल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या है आपका, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर ज्यादा चार्ज होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा।
तो ये तीन जो फैक्टर है इसको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो तीन है इस पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्या कि भैया जब आपका कोई सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। रेडियस आपने फाइंड किया, टाइम पीरियड क्या होगा? तो सर्कुलर पाथ का टाइम, जिसे आपको पता है क्या, सिंपली कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड, क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल रिवॉल्व कर रही है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर डिस्टेंस क्या होता है आपका सर्कुलर पाथ के लिए, बताइए डिस्टेंस क्या होगा आपका सर्कुलर पाथ का? सरकमफेरेंस। क्या होगा? सरकमफेरेंस। वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा कि टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहां से क्या आएगा, 2 पाई अपॉन वी इनटू आर, रेडियस। रेडियस का वैल्यू आपको पता है, एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन बी क्यू। सो द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। सो दिस इज द टाइम पीरियड, देखिए। और यहां से भी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बड़ा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा है। और यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई जब रेडियस ज्यादा है तो जब मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मतलब कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जिसका हेवियर मास है, ठीक है, उसका रेडियस ज्यादा और उसको कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी। तो आप सबको पता है क्या, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से क्या आएगा, 2 पाई, और टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू ऊपर चला जाएगा, 2 पाई गेट्स कैंसल्ड। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज बी क्यू अपॉन एम, BQ upon m। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज BQ upon m, BQ upon m। तो व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी डेफिनेटली द लॉरेंज फोर्स आल्सो बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर आपका सर्कुलर पाथ आता है। क्या आता है? सर्कुलर पाथ। नाउ द फोर्स इज व्हाट, रेडियली इनवर्ड। तो भाई जब आपका रेडियली इनवर्ड मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो वहां तो सर्कुलर पाथ मिल गया, ठीक है। पर अगर आपका सिर्फ एक ही फोर्स होता, लॉरेंज फोर्स, तो पार्टिकल तो कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्कुलर पाथ। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो वहां से आपका रेडियस निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया और एंगुलर वेलोसिटी भी आपका निकल गया। तो ये आपका एक दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा क्या कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द रीजन ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पाथ कैसा आया, पैराबोलिक आया। अब यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था और कैसा कि वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। वेलोसिटी क्या है चार्ज पार्टिकल का, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे सर्कुलर आया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिए अगला टॉपिक और फिर से लॉग इन कीजिए, ठीक है। आप सभी को फिर से लॉग इन कीजिए।